नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है आपके अपने चैनल विपुल एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं और आप चाह रहे हैं कि जवाहर नवोदय के अंदर आपका एडमिशन हो, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि 2020 और 21 के जो परीक्षा प्रवेश फॉर्म हैं वो हो चुके हैं स्टार्ट। इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊंगा, आप शुरू से लेकर आज तक पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि डिटेल से बारीकी से पूरा एनालिसिस बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों, आप आए हैं चैनल पर पहली बार तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल घंटी दबाने के साथ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जवाहर नवोदय की साइट पर लेकर चलता हूँ। ये देखिए, हम आ चुके हैं जवाहर नवोदय की साइट पर। आप जब यहाँ पर देखोगे, ये आ रहा है प्रोस्पेक्ट्स फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2020 फॉर एडमिशन क्लास 6। ये कल का है और इसके बाद आपको यहाँ पर एक पीडीएफ का निशान मिलता है। ये पीडीएफ मैंने डाउनलोड की, इसलिए मैं दोबारा डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट पीडीएफ पर लेकर चलता हूँ। ये रही मेरी पीडीएफ, ये वो पीडीएफ है जहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। आप जब इस पर क्लिक करोगे तो ये लिखा रहा है नवोदय विद्यालय समिति प्रोस्पेक्ट्स फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2020 का ये प्रोस्पेक्ट्स है। आप यहाँ पर पूरा ये प्रोस्पेक्ट दे रखे, अपने काम का जो चीज़ है वो अपन डिस्कस करते हैं। इसके अंदर आप जो है स्टेट वाइज इसके अंदर कोड दे रखे हैं, आंध्र का अलग है, असम का अलग है, ये सब इनके कोड अलग अलग कोड हैं, स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब देखिए, सबसे पहले मेन बात है, इस बार जो है सिस्टम बहुत चेंज किया गया, दो फेज में एग्ज़ाम होगा। इस बार जो है जवाहर नवोदय में दो फेज में एग्ज़ाम होगा। पहला जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों, वो देखिए यहाँ है 11 जनवरी, यानी 11 जनवरी को फेज़ फर्स्ट 11 जनवरी को होगा। और ये होगा अलग अलग राज्यों के लिए, इसमें राज्य शामिल किए गए हैं आंध्रा, असम, अरुणाचल और बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल और आपके झारखंड, केरला, कर्नाटक, एमपी, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना, यूपी, वेस्ट बंगाल, यूनियन टेरिटरीज अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। और उसके बाद दूसरे फेज में एग्जाम होगा 11 अप्रैल को, वो होगा जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड और डिस्ट्रिक्ट ऑफ डिगी वैली, तवांग, अरुणाचल प्रदेश, इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंबा, किरनूर, मंडी, ये सारे हिमाचल प्रदेश के इन और दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल का, इन सब का होगा 11 अप्रैल, यानी दो फेज में एग्जाम होंगे। 11 जनवरी को होगा जो इन लगभग स्टेट्स का होगा और थोड़े स्टेट्स का 11 अप्रैल को होगा। इस फोरम की लास्ट डेट जो है 15 सितंबर रखी है, यानी 15 सितंबर तक आप ये फॉरम भरा सकते हो नवोदय विद्यालय की साइट पर जाकर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें तो इसके एडमिट कार्ड जो है वो हो जाएंगे जनवरी वाले के दिसंबर में, और मई जो अप्रैल वाला है उसका मार्च में। रिजल्ट जो है वो 2020 में, कब वो डेट तो नहीं है, लेकिन इन्होंने टेंटेटिव बना रखा कि एक का मार्च में आ जाएगा और एक का मई में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद सिलेक्शन एंड एडमिशन जो अलग अलग प्रोसेस है भाई, आपको पेपर देना है उसके बाद होता है एडमिशन। हु इज एलिजिबल, एलिजिबल कौन है? एलिजिबल वो होंगे जो 5th क्लास में फिलहाल पढ़ रहे हैं, और ए कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन मस्ट हैव नोट हैव बीन बिफोर 1/5/2007, यानी 2007 और 2011 के बीच में इन दोनों डेट्स का वो होना चाहिए, ये कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 5वीं क्लास में वो पढ़ना चाहिए, रिकॉग्नाइज स्कूल से होना चाहिए और सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ओपन वो का हो सकता है। इसके अलावा और जो है क्या, हम 15 सितंबर इसके अंदर 75% जो रूरल वालों को जो है इसके अंदर आरक्षण दिया होता है, ठीक है। रिजर्व सीटें होती है रूरल वालों को 75। डॉक्यूमेंट वगैरह वो और तो बाद में की बात है, ये सारा पूरा सिस्टम दे रखा है। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस आपको पता है इसके अंदर 3 सेक्शन होते हैं, मेंटल एबिलिटी, अर्थमेटिक, लैंग्वेज। मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन आते हैं, अर्थमेटिक के 20, लैंग्वेज के 20, 80 क्वेश्चन आते हैं, 50 मेंटल एबिलिटी, 25 की अर्थमेटिक, 25 की लैंग्वेज, 100 नंबर, यानी 2 घंटे का ये पेपर होता है लगभग, ठीक है। ये नीचे थोड़ा सा इसका पेपर का जो है परफॉर्मा दे रखा है। तो दोस्तों, अब मैं आपको जो है ऑनलाइन जो अप्लीकेशन आप कैसे भरोगे उसका मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, क्लिक हियर रजिस्टर फॉर क्लास 6 जनवरी 21, यहाँ पर आप जब क्लिक करते हो यहाँ पर आपको टिक करना होगा, तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। ये देखिए, यहाँ लिखा कैंडिडेट, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फेज़ वन। इस पर जब आप क्लिक करोगे ऊपर वाले पर, फेज़ वन वाले पर, तो आपके सामने जो है इस प्रकार इंटरफेस खुलेगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, कोई भी, जैसे आपका कोई भी स्टेट हो, जैसे कोई भी जैसे स्टेट है ये आपको, जैसे राजस्थान हमारा राष्ट्र है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, कोई आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट जैसे मेरा चूरू है,
चूरू कर दिया मैंने, ठीक है। चूरू के अंदर ये देखिए ब्लॉक नाम दे रखे हैं, इन ब्लॉक में से कौन कौन से ब्लॉक है, ठीक है। ब्लॉक में आप सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट ब्लॉक्स, तो तारानगर कर लिया। फिर आपको यहाँ पर अपने स्कूल का नाम, अपना नाम, कैंडिडेट नाम, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ भरकर और ये कैप्चा लगाकर सबमिट कर देना है। तो दोस्तों ये था वो पूरा तरीका जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। 15 सितंबर लास्ट डेट है, जल्दी कीजिए, फॉर्म भर लीजिए, दो फेज़ में एग्ज़ाम होगा। और अगर इससे जुड़ी कोई और अपडेट आती है तो हम हमारे चैनल पर सबसे पहले आपको बताएंगे। तो इसके लिए आपको एक ही काम करना है, वीडियो को कर दीजिए अब लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल की घंटी जरूर दबाएँ। धन्यवाद दोस्तों।